हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है प्ली ऑफ एलिबाई, जो अंडर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम इससे पहले IPC कंप्लीट कर चुके हैं, CRPC कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की 3-4 वीडियो कर चुके हैं, एविडेंस एक्ट की हमारी 6th वीडियो है। इससे पहले हम वीडियो कर चुके हैं काफ़ी, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आगे जाके वीडियोस के सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं चैनल पे क्लिक करने के बाद। तो प्ली ऑफ एलिबाई को फर्दर डिस्कस करने से पहले प्ली ऑफ एलिबाई का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं हम, कि प्ली ऑफ एलिबाई होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं एलिबाई का मतलब क्या होता है। एलिबाई मतलब एल्सवेयर, एलिबाई मीन्स एल्सवेयर, कि पर्सन यहाँ पे नहीं था एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस और द एक्ट, वो कहीं और पे था। वो प्रूव करेगा, वो कैसे कैसे प्रूव करेगा वो हम आगे देखेंगे। एलिबाई मतलब एल्सवेयर, वो कहीं और था। सबसे पहले हमने पिछले टॉपिक में देखा TIP में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में, सेक्शन 9 में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कोरोबोरेशन सेक्शन 9 से स्टार्ट होता। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन का सेकेंड लॉ आता है सेक्शन 11 में, जो अच्छे से फर्स्ट तरीके से आता है वो आता है सेक्शन 11 में, लेकिन एक तरीके से स्टार्ट तो वो सेक्शन 9 से ही हो जाता है, लेकिन एलोबरेट करके उसको एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 11 में। प्ली ऑफ एलिबाई कहीं पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे रखा हमारे पास, लेकिन सेक्शन 11 के जो वर्ड्स हैं कि फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट नहीं श्योर रेलिवेंट फैक्ट्स, अदरवाइज तो वो रेलिवेंट नहीं होंगे, बट इनकंसिस्टेंट है इस वजह से अदरवाइज इरेलीवेंट है, पर रेलिवेंट हो रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से हो रहे हैं। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, वैसे वो इरेलीवेंट है लेकिन रेलिवेंट हो रहे हैं वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से। ये वाली चीज़ सिर्फ सेक्शन 11 में ही नहीं है हमारी, ये वाली चीज़ हमारी सेक्शन 46 में भी है, जो ओपिनियन एविडेंस की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है वो रेप करने के काबिल में ही नहीं है, एक तरीके से एलिबाई वो भी यहाँ पे इंटरेक्ट सी हो रही है समहाउ, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली सिर्फ सेक्शन 11 में। प्ली ऑफ एलिबाई की बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पे है, कौन सा सेक्शन है, वो भी हम देखेंगे आगे। सेक्शन 103 है उसका, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। ये था, तो जनरल भाषा में एलिबाई का मतलब कहीं और होता है पर्सन। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते, ए पे क्वेश्चन मार्क ये है कि उसने बी का मर्डर किया, लेकिन ए कहता है कि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं जब मर्डर हुआ, जिस टाइम पे मर्डर हुआ, जिस डेट को मर्डर हुआ, मैं तो था ही नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, आर्मी पर्सनल हूँ और मैं तो आर्मी में अपनी ड्यूटी पे था, ये मेरा ड्यूटी रिकॉर्ड है ये। लेकिन ये एविडेंसेस कोजेंट होने चाहिए, मियर मेडिकल दे देना कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था, दीज आर नॉट सफिशिएंट, कोजेंट एविडेंस की नेसेसिटी होती है इसमें। तो प्ली ऑफ एलिबाई का ये कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। व्हाट इज डबल एस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, डबल एस क्या है। जब भी कोई एक्यूज्ड प्ली लेता है प्ली ऑफ एलिबाई की, तो उसे प्रूव करनी पड़ती है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा प्ली ऑफ एलिबाई का, तो वो उसके अगेंस्ट चली जाएगी और उसके बेसिस पे वो कन्विक्शन का रीज़न बनेगी कि उसने प्ली ली, वो प्ली प्रूव करा कि मैं यहाँ पे था, और लेकिन उसी चीज़ को वो प्रूव नहीं कर पा रहा, खुद से अपना डिफेंस ले रहा है, तब भी वो उसके अगेंस्ट जाएगी अगर वो उसे प्रूव नहीं कर पाएगा। तो कन्विक्शन हो सकती है उसकी डायरेक्टली उस बेस पे अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कैसे, प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है कोई पर्सन, ले रहा है, उस पर आ रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ। जो भी पर्सन ये कहेगा कि मैं यहाँ पे नहीं था जिस टाइम पे ये ऑफेंस हो रहा है, वो ही प्रूव करेगा। सेक्शन 103 की इलस्ट्रेशन प्ली ऑफ एलिबाई को डायरेक्टली बताती है, ये 103 की इलस्ट्रेशन में क्लियरली दे रखा है कि वो प्ली ऑफ एलिबाई को डिस्कस करते हैं। जो पर्सन प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, जो कह रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो ही प्रूव करेगा कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ 103 के अकॉर्डिंग उस पर्सन पे रहेगा जो प्ली ले रहा है। व्हेन डिफेंस टेकन से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगा जो 103 में ही है, कि बर्डन कैसा रहेगा। इंडिया में
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करते हैं, और अगर वो डिफेंस ले रहा है जनरल एक्सेप्शंस का तो प्रीपोंडेंस और प्रोबेबिलिटी भी मानते हैं। लेकिन अगर प्ली ऑफ एलिबाई को डिफेंस ले रहा है तो उसे जो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है वो प्रूव करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट उसे प्रूव करना पड़ेगा प्ली ऑफ एलिबाई को, तभी उसकी प्ली ऑफ एलिबाई मानी जाएगी। अगला, व्हेन डिफेंस टेकन, सबसे राइट टाइम क्या है डिफेंस लेने का प्ली ऑफ एलिबाई का। बेसिकली देखा जाए तो एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी लेते हैं, लेकिन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी तो हम देखे तो चार्जेस मान लेते हैं, नहीं, एट ट्रायल, जब ट्रायल स्टार्ट होएगा तब उसको अपना प्ली ऑफ एलिबाई लेना है। इट इज़ हिज बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल टाइम टू टेक डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, देन ही हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, बर्डन अपना प्रूव करेगा वो ड्यूरिंग ट्रायल। टेस्ट ऑफ एलिबाई क्या है? जनरल सी बात है, एक इंसान दो जगह तो हो ही नहीं सकता, या तो उसने ऑफेंस किया वहाँ तो एक्ट के टाइम पे वहाँ पे मौजूद था, या फिर उसने ऑफेंस नहीं किया वो कहीं पे और था, उसने ऑफेंस नहीं किया उसको वैसे एक्यूज्ड बनाया गया है बाय मिस्टेक या बाय मिसअंडरस्टैंडिंग से वो एक्यूज्ड बना है। तो टेस्ट इसका क्या है कि एक इंसान दो जगह पे एक टाइम पे नहीं हो सकता जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है, तो इसलिए उसे प्रूव करना पड़ता है कि वो कहीं और था। ये था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 11। देखा जाए तो सेक्शन 11 की एक्सेप्शंस, सेक्शन 11 में तो डिफाइन है ही नहीं हमारी, लेकिन इसको हम जो एडमिशन का पार्ट है, जो एडमिशन का सेक्शन 21 का प्रोविजो है, जनरली एडमिशन कहीं पे रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 17 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एडमिशन की रेलेवेंसी सेक्शन 21 से इम्पोज होती है। सेक्शन 21 फर्स्ट टाइम एडमिशन में रेलेवेंट वर्ड यूज़ करता है, उससे पहले रेलेवेंट वर्ड कहीं पे नहीं है, चेक कर लेना सेक्शन 17 से 20 तक कहीं पे रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 21 में रेलेवेंट आता है। उसके प्रोविजो हैं तीन, तीन प्रोविजो सेक्शन 11 की एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है? प्ली ऑफ एलिबाई फैक्ट इनकंसिस्टेंट, लेकिन 21 उसका एक्सेप्शन है 21 के प्रोविजोज, जो एडमिशन के टाइम पे उसे खुद से प्रूव नहीं करने पड़ते क्योंकि उसकी तो डेथ हो जाती है किसी इन कुछ सर्कमस्टांसिस में, कुछ फालसूड या स्टेट ऑफ माइंड की वजह से एक पॉइंट में उसकी डेथ हो जाती है जिसमें वो प्रूव नहीं करता, जिसमें दूसरे में फालसूड इम्प्रोबेबल होता है, उस पर बर्डन आया हुआ होता है। लास्ट है एडमिशन में भी प्रूव बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ़ रेलेवेंट अदरवाइज देन ऑन एडमिशन, एडमिशन से अलग फिर भी अगर उसे प्रूव करना पड़ेगा तो वो ही प्रूव करेगा। ये तीन एक्सेप्शंस थी सेक्शन 21 के प्रोविजो में डिफाइन है, ये याद रखना, ये पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। थैंक यू सो मच।